हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं दिव्या अग्रवाल आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। अगर आप एस्पिरेंट हो गेट एक्सेल के, दैट इज लाइफ साइंसेज के, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको आपकी और हमारी वीडियोज की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के जो चीट को डिफरेंस, उसमें हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। एंड बैक बॉन्डिंग जो टॉपिक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन ग्रुप का पार्ट है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल एंड विद रिस्पेक्ट टू यू नो हाइब्रिडाइजेशन। सो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो कंडीशंस को जानने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, मतलब जैसे कि बोरॉन ये एग्जाम्पल है BF3। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में किस तरह से यू नो बैक बॉन्डिंग होगी वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो कंडीशंस देखी हुई है, व्हाट आर द कंडीशंस। सबसे पहले पोलैरिटी, जो आपका मॉलिक्यूल है जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी वो हमेशा पोलर होगा। अगर वहां पे पोलैरिटी है तो ही वहां पे बैक बॉन्डिंग होने की चांसेस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा बैक बॉन्डिंग का। दूसरी चीज, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हमारा एलिमेंट है फ्लोरीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो आपस में रिपल्शन करेंगे। इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज, एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए। एक एलिमेंट जो होता है वो तो सेकेंड पीरियड से होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट या तो सेकेंड से या थर्ड से। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स बैक बॉन्डिंग करेंगे उनमें से एक एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, एंड सेकेंड एलिमेंट कैन बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड और फ्रॉम थर्ड पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर। मतलब एक एलिमेंट के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट के पास में लोन पेयर होने चाहिए ताकि बैक बॉन्डिंग हो सके। अब बैक बॉन्डिंग होने की वजह से हो क्या जाता है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट। ओके, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो ये सब चीजें डिटेल में हम क्वेश्चंस के साथ साथ करते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पता चल गया होगा कि बैक बॉन्डिंग बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बैक बॉन्डिंग में से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन एंड हाइब्रिडाइजेशन एज वेल। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि कैसे हमें लेना है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे वो यू नो इंटरलिंक करता है, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है BF3, राइट। आई हैव रिटन BF3, और दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने इसके साथ में लिख दिया है वो है BF4-. ओके, दिस इज BF4-. तो अब इसमें अगर हम देखते हैं इंडिविजुअली, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी क्या। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे होगी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट, एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं बट दूसरे एलिमेंट के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा, उसमें चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि जिसमें बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दो एटम, एक एटम है ए और बी, इनके बीच में कितने बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है, वो चीज हमें पता चलती है। ओके, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो एग्जैक्टली वन होगा, पर यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास में ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ से यहाँ पे यू नो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन वन होगा। फिर अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ वो कम होगी, और यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। दैट इज बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चांसेस हैं। आई होप आप मेरी बात बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में समझ गए होंगे। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, एक एग्जाम्पल से समझाया है कि कैसे क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, एक बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो आप
ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इसमें बैक बर्निंग होगी कि नहीं होगी, वो लोअर लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। बट आपसे इसमें कैसा पूछा जाएगा, चार एग्जाम्पल्स दे देंगे। अब उन चार एग्जाम्पल्स में से किस में बॉन्ड यू नो अरेंज करो इनको बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, या विच इज द करेक्ट वन, वो वी विल सी इन क्वेश्चंस इन फर्दर क्लासेस। ओके, सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लेट मी रेज दिस एंड मैं एक और एप्लीकेशन इसका आपको समझा देती हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। सो देख सकते हैं आप, जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे BF3, राइट, आई हैव रिटन BF3, और उसी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ लिख रही हूँ NSiH3, सिमिलरली SiH3 एंड सिमिलरली SiH3, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं, अब सबसे पहली चीज जो हमें पता होने की जरूरत है वो है हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में, उसके पास ऑर्बिटल्स होंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे कि नहीं होंगे, वो डिटेल्स में हम बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी ये चीट कोड्स हैं तो जस्ट कट शॉर्ट में हम चीजें देख रहे हैं। ओके, सो देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे बोरॉन है, इसके पास ऑर्बिटल खाली है प्रेजेंट। ओके, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। ओके, पर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स है, यहाँ पे सिलिकन के पास में ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी। देखो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अगर अब एक छोटी सी बात आप समझो, अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं कि इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। देखो सिग्मा, एक लोन पेयर को सिग्मा काउंट करते हैं, फिट इज लोकलाइज्ड, एक और सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा मीन्स sp3। बट अगर ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है, अगर ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है, तो जो नई पिक्चर नजर आएगी वो कैसी दिखेगी, वो ऐसे कुछ दिखेगी, समझ पा रहे हो, इस तरह से कुछ नई पिक्चर बन जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो, जो हाइब्रिडाइजेशन हो, वो क्या हो गया, sp2 हो गया। तो ये एक और एप्लीकेशन है, इसका मतलब अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है। देखो sp3 से sp2 में वो कन्वर्ट हुआ, कहने का मतलब क्या है, देखो दो तरह की बैक बॉन्डिंग है हमारे पास, एक तो है साइड टू सेंटर, दिस एलिमेंट इज अ साइड एटम, दिस एलिमेंट इज साइड एटम, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज सेंटर एटम, ओके, सेंट्रल पोजिशन में लगा हुआ, तो दिस इज अ सेंटर एटम, ओके। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि साइड से जब सेंटर पे बॉन्ड बन रहा है, तो उस वक्त बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि देखो अभी भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर मैं इसको बैक बॉन्डिंग करवा के डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो भी आप अगर काउंट करोगे तो देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अभी भी ये चीज क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। तो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अगर साइड से सेंटर में बैक बॉन्डिंग होती है, बट अगर सेंटर से साइड में होती है, देखो दिस इज सेंटर एंड दिस इज साइड एटम, तो अगर सेंटर से साइड में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इस बैक बॉन्डिंग के होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 से किस में कन्वर्ट हो गया, sp2 में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग होती है फ्रॉम साइड टू सेंटर, तो बैक तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता, बट अगर हाइब्रिडाइजेशन, अगर बैक बॉन्डिंग होती है फ्रॉम सेंटर टू साइड, तो वहां पे चेंज आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, एक और एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, एप्लीकेशन देखते फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट। ओके, सो देखो तीसरी जो हमारी चीज है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस पे भी चीजें डिपेंड करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, जो बैक बॉन्डिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब अगर बैक बॉन्डिंग होगी, देखो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड वो स्पेशी है जो या तो H+ प्रोवाइड करे, ठीक है, या तो H+ प्रोवाइड करे, ठीक है, या फिर वो क्या करे, या फिर वो क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो ही तो वो चीज आपकी बैक एसिड होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया BF3, साथ में मैंने लिया BCl3, और उसके साथ में मैंने लिया BBr3। ओके, तो अगर आप देखोगे तो बैक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं वो एकदम अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी एक्सटेंड की हो रही है, दिस इज 2p ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो 2p ऑर्बिटल, अच्छी हो रही है। अगर हम BCl3 की बात करते हैं, BCl3 की अगर हम बात करेंगे, तो दिस इज 2p ऑर्बिटल,
एंड दिस इज 3p ऑर्बिटल, तो होगी तो बैकवर्डिंग बट ज्यादा अच्छी नहीं होगी। बट अगर हम BBr3 की बात करेंगे तो बोरॉन के साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे दिस बोरॉन इज 2p सेकंड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है, तो 2p 4p में तो बहुत ही ना के बराबर बैकबॉन्डिंग होगी। तो मतलब बैकबॉन्डिंग सबसे कम यहाँ पे हो रही है, तो यानी कि सबसे अच्छा एसिड ये होगा, सबसे अच्छा एसिड ये होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा अवेलेबल होगा लोन पेयर, उतना ज्यादा ईज से तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम कह देंगे दैट BBr3 इज सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद BCl3, उसके बाद में BF3। आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट, ओके। अभी इसी के रिस्पेक्ट में मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बिल्कुल सेम ही होगा, ओके। वो भी आपके इस पर डिपेंड करेगा, बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस इज अ स्पेशी जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ओके। बेस इज समथिंग विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया NCH3, ओके, CH3 एंड CH3, और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा N एंड यहाँ पे लिखा SiH3 एंड SiH3, तो मेरे पास यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं। कार्बन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकन के पास में 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है, दिस इज 3d ऑर्बिटल एम्प्टी, दिस इज 2p, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तो मतलब लोन पेयर तो आपका रेजोनेंस में मतलब बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें दैट विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो 1 विल बी स्ट्रॉन्गर बेस देन द सेकंड, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो हम ये कहेंगे बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ जिनमें बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आपको पहचानना है किसमें बैक बॉन्डिंग होगी किसमें नहीं, तो 2-4 क्वेश्चन हम करके समझते हैं इस चीज को कि आप कैसे पहचान पाओगे। मैंने अभी आपको सिर्फ एप्लीकेशन बताए हैं कि वेयर इज द यूज ऑफ बैक बॉन्डिंग, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताऊं, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपके ऑर्बिटल साइज पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास आपका 2p ऑर्बिटल है तो 2p ऑर्बिटल की बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर ये 3p होता जाएगा या 3d होता जाएगा, है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि बैक बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स का साइज इतना छोटा होगा उतना ज्यादा आसानी से वो बैक बॉन्डिंग करेगा। और बाकी ये कंडीशंस आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है दैट पोलैरिटी तो होनी मस्ट है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना मस्ट है, एलिमेंट एक सेकंड पीरियड और दूसरा एलिमेंट सेकंड या थर्ड पीरियड का ही होना चाहिए। 4th, 5th, 6th में बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होती है इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एक एलिमेंट के पास में और दूसरे के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको OCl2 का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, तो हमने लिया OCl2। तो अगर आप देखोगे OCl2 तो ऑक्सीजन के पास आप देखोगे इसके पास में क्या है, 2 लोन पेयर्स एकदम प्रेजेंट है। और अगर हम इस क्लोरीन की बात करेंगे तो इस क्लोरीन के पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये 2p ऑर्बिटल में अवेलेबल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3p ऑर्बिटल में अवेलेबल है, पर 3p ऑर्बिटल में अवेलेबल है बट इसके पास 3d empty है, 3d empty है। कैसे 3d empty है, अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, 3s2 3p5 3d0 d0। d0 मतलब क्या, इसके पास में एक ऑर्बिटल है जिसको d ऑर्बिटल कहते हैं और उस d ऑर्बिटल में यहां से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। और अगर बैक बॉन्डिंग यहां पे होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2p 3d टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। और अगर ये वाली बैक बॉन्डिंग होगी तो मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं। फिर दूसरा कंडीशन ये तो पता चल गया भैया, इसमें यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा, एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का, ये एलिमेंट आपका सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड का है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाँ बिल्कुल, क्लोरीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर रिपल्शन हो रहा है, पोलैरिटी, बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेकंड मोस्ट है और क्लोरीन आपका नाइट्रोजन के आसपास में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोलैरिटी है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव दिस इज पार्शियल निगेटिव इन टर्म्स ऑफ बैक दिस पोलैरिटी, ओके। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इरेज करते हैं इसको। उसके बाद में जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया से SiH3, ओके, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, इसमें एक क्वेश्चन आया था एक बार कि CH3 एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ओके, नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर है यहां लोन पेयर है, तो क्वेश्चन क्या था कि दिस इज 1 दिस इज 2, ओके। तो क्वेश्चन ये था कि
चार ऑप्शंस दिए हुए थे दैट विच वन इज बेंट. ओके विच वन इज बेंट. बेंट मतलब इनमें से एक तो लीनियर है, ठीक है, एक तो लीनियर है और एक बेंट शेप है, बेंट या वी शेप का है, तो कौन सा है वो. तो अगर आप इसको देखोगे तो ये इसका आंसर बैक बॉन्डिंग से निकलता था. कैसे, सिलिकन के पास में ऑर्बिटल खाली है. सिलिकन आपका क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर उसके पास में 3d एम्प्टी होगा. नाइट्रोजन के पास में 2p ऑर्बिटल अवेलेबल है जो कि फिल्ड है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे. अगर बैक बॉन्डिंग करेंगे तो नई पिक्चर इस तरह से नजर में आएगी हमको. और अगर हर जगह पे डबल बॉन्ड आएगा तो यानी कि ये लीनियर बन जाएगा, यानी कि दिस वन इज लीनियर. बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ कार्बन के पास में ऑर्बिटल तो नहीं अवेलेबल है, तो बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस नहीं है. और बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S. तो ये चीज आपकी क्या होती है, बेंट या वी शेप की है. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग. ओके एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NCl3. ओके तो NCl3 को अगर हम देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है या नहीं है. तो समझते हैं इसको बैक बॉन्डिंग है कि नहीं. तो देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ बिल्कुल. क्लोरीन के पास में अभी भी देखा था उसके पास 3d एम्प्टी होता है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है. तो कंडीशन नंबर वन. कंडीशन नंबर टू, अच्छा अगर हम देखें तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्लोरीन के पास में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, हाँ बिल्कुल. सेकंड कंडीशन इज वेरीफाइड. सेकंड पीरियड एलिमेंट आपका सेकंड पीरियड का है, हाँ बिल्कुल. सेकंड एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड का है, बिल्कुल. क्लोरीन थर्ड पीरियड में लाई करता है. वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ है. लोन पेयर, बिल्कुल है. पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी यहाँ पे नहीं है. एक्चुअली क्या होता है, जो नाइट्रोजन है और जो क्लोरीन है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है. तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सेम है, पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होते हुए भी नहीं होती. मतलब होनी तो चाहिए बट नहीं होती बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज नॉट वैलिड. सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आप समझ चुके होंगे, राइट. तो हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे होंगे एक नया चीट कोड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. बाय बाय.